Hello my dear students, so in the last lecture we were discussing about the some general features and a brief introductory overview of the sexual reproduction. और उसमें हमने देखा कि किस तरह से बर्थ के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद मैच्योर होने के बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है. तो जो ग्रोथ वाला फेज है उसको जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, और प्लांट्स में उसी फेज़ को, ग्रोथ वाले फेज़ को ही वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं, राइट. और वेजिटेटिव फेज़ या जुवेनाइल फेज़ के बाद सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और एनिमल्स के केस में कुछ सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस इन केस ऑफ ह्यूमंस में आल्सो आकर, एंड फ्रॉम दैट द ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द अनदर फेज व्हिच इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज. और रिप्रोडक्टिव फेज के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज जो है एनुअल, बायनियल प्लांट और पेरेनियल प्लांट, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसमें डिफाइन किया गया है. तो ये सब चीज़ का हमने एक ओवरव्यू देखा, किस तरह से एनिमल्स जो है वो भी सीजनल होते हैं, प्लांट्स भी सीजनल्स होते हैं, क्रॉप्स होती है बहुत सारी, राइट. So now we will focus more on the technical details and we will go more into the depth, and now we will see about the mammals. We already have had seen that there are many egg laying animals and they lay eggs in particular seasons, like different birds or lizards or frogs. They have seasonal egg laying patterns, right. So those things we already had seen. Now if we take the mammals, in case of the mammals, there are two kinds of the mammals based on the presence or absence of the placenta. Placenta is actually an organ which develops during the gestation period. So whenever a female mammal is pregnant, there will be placenta which will develop inside the uterus. It will help to nourish the developing embryo or developing young ones. Okay, so based on that, the placental and non-placental mammals have been defined, and then these placental mammals have been further categorized into primates and non-primates. Okay, तो प्लेसेंटल मैमल्स जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है उनको प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं. प्लेसेंटल मैमल्स में प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, यानी जो हाईली एवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स सो कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं, ये आ जाते हैं प्राइमेट्स में. और जो नॉन प्राइमेट्स है वो इनके अलावा जो भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आ जाते हैं, जैसे काऊ, शीप, रैट, डियर, एलिफेंट, डॉग, टाइगर, कैमल, ये सब नॉन प्राइमेट मैमल्स में आ जाते हैं. ओके, तो अगर हम प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो यूजुअली हमने देखा कि इन जनरल जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज में सर्टेन चेंजेस होती हैं. लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम जो प्लेसेंटल मैमल्स की कैटेगरी है उनकी बात करें, सो द फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट सर्टेन साइक्लिकल चेंजेस. ओके, वो साइक्लिकल चेंजेस में क्या होता है, उनका जो एक्टिविटी ऑफ द ओवरीज, तो ओवरी एक ऑर्गन होता है, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड ओवरी ऑफ ह्यूमन, ओवरी ऑफ अर्थवर्म, ओवरी ऑफ कॉकरोचेस, राइट, ओवरी ऑफ द डिटेल, ओवरी ऑफ द ह्यूमंस वी विल स्टडी इन डिटेल नाउ इन दिस ईयर ऑफ योर सिलेबस. सो द एक्टिविटी ऑफ द ovaries, then accessory glands and several hormones, these actually show certain cyclical patterns, certain cyclical changes in case of the females of the placental mammals. तो उसकी वजह से इनके अंदर pattern होता है, और उस pattern या उस cycle को हम जो है define करते हैं. तो दो category के जो placental mammals हैं, non-primate और primate के, तो non-primate mammals में ये साइक्लिकल जो चेंजेस होते हैं, जो साइकिल्स होती है, जो रिपीट होता है वो पैटर्न, उसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल और हीट साइकिल, एक जनरल टर्म्स में बोलते हैं. ओके, तो ईस्ट्रस साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज एंड शीप. व्हाट हैपेंस इन द ईस्ट्रस साइकिल्स,
It is a cycle which shows the cyclical changes in the activity of the ovary, release of the hormone and its effects, and the accessory ducts of the reproductive system. This is what happens in the estrous cycle. Okay, बहुत simple है. जो non primate mammals होते हैं उनके अंदर कुछ reproductive phase में कुछ changes आते हैं. जब वो reproductive stage में पहुँच जाते हैं तो उनके body के अंदर कुछ changes आते हैं. वो changes cyclical होते हैं, यानी कुछ time duration, कुछ time period होता है उसमें वो चीज़ होगी और फिर repeat होगी वही चीज़. ठीक है, तो उसको estrous cycle बोलते हैं non primate के केस में. क्या क्या चीज़ रिपीट होती है, जैसे हार्मोन पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, फिर कोई हार्मोन ज़्यादा होगा वो बाद में कम होता जाएगा, साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर वो ज़्यादा हो जाएगा हार्मोन, फिर चेंज, फिर बढ़ेगा या कम होगा इस तरह से, या कोई ग्लैंड है उसका सिक्रेशन जो है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरह से कुछ एक पैटर्न शो करेगा, वो साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा कुछ वन मंथ पे, सिक्स मंथ पे, वन ईयर पे, कुछ इस तरह से कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा उसका. और जो प्राइमेट्स हैं, जो कि मंकीज, एप्स और ह्यूमंस जो है प्राइमेट्स में आते हैं, तो प्राइमेट्स एक्चुअली एग्जिबिट सच काइंड ऑफ साइकिल, एंड दिस स्पेशलाइज्ड साइकिल इन द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द प्राइमेट्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच इज़ ऑब्जर्व इन द फीमेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज. ओके, इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन द ऑल फीमेल्स, बट इट इज़ ऑब्जर्व इन द फीमेल्स व्हेन दे अटेन द रिप्रोडक्टिव एज, and later also in the senescent stage this menstrual cycle again declines, it stops. Okay, so these cyclical changes in case of the primates are called as menstrual cycle. Menstrual cycle ka details jo hai wo hum padhenge baad mein human reproduction wale chapter mein. So ye jo bhi cycle changes hain animals mein, humne dekha ki bahut sare mammals mein hote hain, तो ये क्या पैटर्न फॉलो करते हैं. समटाइम्स दे फॉलो इट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लाइक दिस साइकिल्स विल हैपन आफ्टर एवरी वन मंथ पासेस, और दिस विल हैपन आफ्टर एवरी सिक्स मंथ पासेस, राइट, सो और आफ्टर एवरी थ्री मंथ पासेस. सो दिस काइंड ऑफ द साइकिल विल कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, only the that particular period of the time will be taken by the cycle. So such animals are called as continuous breeders. So what happens in the continuous breeders? Continuous breeders actually reproductively active throughout the year, so they do not differentiate depending on the climatic or seasonal conditions or weather. So they can reproduce throughout the year, in any month of the year, in any season of the year, whether it is winter or whether it is summer, they can reproduce throughout their reproductive phase, throughout their year, provided they remain or they follow a particular estrous or particular menstrual cycle. So this is for the continuous breeders. But there are large number of animals which do not reproduce throughout the year, rather their cycle is adjusted in such a way that when the season, when the favorable environmental conditions arrive, that means when the environment is not so harsh, when there is enough availability of the water, when there is enough availability of the fodder and food, when they feel safe, when their habitat is well protected, so in those kind of the favorable environment these animals will have their this estrous cycle, and then they will mate and they will reproduce, they will give birth to the young ones. So such kind of the animals are called as the seasonal breeders. Okay, so seasonal breeders kya karte hain, they follow the cycles, and these cycles actually are tuned with the favorable environmental conditions or favorable seasons, and that is why they are called as seasonal breeders. Okay, so we have two kinds of these animals based on the environment, based on the time period, and they follow these two kinds of the cycles, estrous cycle and the menstrual cycle. Okay,
We have seen that after the juvenile phase, there is certain morphological and physiological changes which leads to the onset of the reproductive phase. Again, when the reproductive phase starts declining, when there is end of the reproductive phase, what happens? This phase will go into the next phase, which is called as senescence phase. Okay, so senescence phase is nothing but the old age phase of the plants or animals. So at the end of the reproductive phase, when there is a decline in the cyclic activities and the metabolism of these organisms slows down, there is changes in the body, there are certain physiological changes as well, there might be certain psychological changes as well, there will be weakness in the body, the hormone levels will also change, usually they will come down, the sex hormones will come down. Okay, so these changes will actually lead to the next phase, which is nothing but senescence phase. Okay, so this is how the organism transitions from reproductive phase into the senescence phase. And this phase transition, actually, whether be it from juvenile phase to the reproductive phase or from reproductive phase to the senescence phase, these phase transitions are actually regulated by not only the hormones but also the environmental factors, right? So this phase transition is regulated by mainly hormones, but this is also regulated by environmental factors, and many times a combination of the hormones and environmental factors contributes to the phase transition in most of the animals. Okay, in some animals environmental may play a bigger role, in another animals hormones may play a bigger role. And so this is how these things interact with each other, and the organism grows, develops, matures, reproduces, eventually dies after the old age. Okay, now we have seen till here the general introduction of the sexual phase of the reproduction or sexual reproduction of the placental mammals. So we already know that sexual reproduction is distinguished by the formation of the male and female gametes. Okay, so now let us study a little bit more detail for the events of the sexual reproduction. जो sexual reproduction होता है उसके अंदर कुछ critical, कुछ unique details होते हैं, कुछ unique steps हैं जो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं, वो किसी भी एनिमल में हो, किसी भी प्लांट्स में हो. दीज इवेंट्स आर कॉमन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स. दैट मीन्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोज ए रेगुलर सीक्वेंस. एंड व्हाट इज दैट पैटर्न? सो दिस इज द पैटर्न विच डिफाइन्स, दीज आर द इवेंट्स विच डिफाइन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देर विल बी ऑलवेज मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट्स. We already have discussed that these male and female gametes may come either from the same single organism or they may come from two different organisms of the opposite sexes. एक male gender, एक female gender के organisms से male और female gametes आ सकते हैं, या एक single organism ही male और female दोनों gametes produce कर सकता है. ठीक है, हमने asexual reproduction में देखा था कि जो भी आपका seed है या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड गैमीट जिसको हम बोल सकते हैं रफ टर्म्स में, स्ट्रिक्ट टर्म्स में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते नहीं है, राइट? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर इज ऑलवेज द यूनिपेरेंटल केस, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर कैन बी अ सिंगल पेरेंट और देर कैन बी टू पेरेंट्स. सो दीज टू गैमीट्स विल कम टूगेदर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, and they will fuse to give rise to another new cell which is called as zygote. So this fusion or coming close together of these two cells and getting assimilated with each other is called as fertilization. So fusion of male and female gametes led to the fertilization phenomena, and fertilization results in the formation of the zygote. So fertilization is a very critical and crucial event in the sexual reproduction. It is a kind of landmark event in the sexual reproduction. Okay,
Whenever you talk about sexual reproduction, this landmark event of the fertilization has to be there. So remember it. Whenever you think of sexual reproduction, you always should have in your mind that there will be a fertilization. Okay, so this is a very, very important term, very, very important event. So before fertilization, we have male and female gametes which fuse together to make zygote, and this event is called as fertilization. And then this zygote further grows, the cells divide, they grow, they develop, and there happens the process of formation of the embryo, which is called as embryogenesis, which actually gives rise to the young ones or the young offspring or the young progeny. So from zygote, a complete new young organism develops, and this will be born maybe through egg or maybe through the direct birth. So that that will differ, but these three steps will be common. So now we have seen that in the events of the sexual reproduction, these three events are the very crucial. So based on the time period or based on the detail of this study, based on the details of these events, this sexual reproduction has been again divided into three phases. So first is the pre-fertilization events. Okay, so here you can see, so whatever event happens before the fertilization is studied under the pre-fertilization, and then you have fertilization event, and then you have post-fertilization event. So now we will study in detail about all these three processes, which is pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization events of the sexual reproduction, which is observed in all the organisms. Okay, so what happens in the pre-fertilization events? So we already have seen that for sexual reproduction, we need two kinds of the gametes. So first, there should be the formation of these gametes. Okay, so these formation of the gametes is the first step of the pre-fertilization events. And once you have these gametes ready, they have been prepared, then these gametes should come together so that they can fuse and they can fertilize. That means these gametes should be transferred to a common place, right? The female and male gametes should come together. That means they need to be transferred to a place where these both can meet and they can fuse together for fertilization. So this is how pre-fertilization has two important components. First is the formation of the gametes, and second is the gamete transfer. Now we will see both these subtopics in further detail. So when we say the formation of gametes, we already know that the gametes have a single set of the genomes, a single set of the chromosomes inside them. In other words, we can say that all the gametes are haploid cells. The gametes are nothing but specialized cells meant for reproduction, and their genetic constitution is haploid. They are never diploid. Okay, and these gametes, when they are formed, these gametes in the morphological or in the external appearance, these gametes, the female gametes and male gametes, may resemble each other or they may be entirely different from each other. So as you can see here in your textbook, in this figure, you see these two gametes, this is one gamete, this is another gamete, and these two gametes in your figure 1.5, these male and female gametes of an algae called as Cladophora. Here you can see the name, sorry. So these Cladophora gametes, male and female gametes, are very similar in their morphological characteristics, in their external appearance, right? So these kind of gametes are called as isogametes, or this property is called as isogamety or homogamety. Okay, but in certain other organisms, like here you can see in case of another algae,
विच इज़ ए फ्यूकस. फ्यूकस इज एन एल्गी ऑफ द फियोफाइसी, राइट, विच इज़ ए ब्राउन एल्गी. तो ब्राउन एल्गी का मेंबर है फ्यूकस. तो इसमें आप हेटरोगैमिट्स यानी हेटरोगैमिटी का एग्जांपल देखते हो, तो देर इज़ वन गैमिट विच इज़ लार्ज इन साइज एंड दिस अनदर गैमिट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. यू कैन सी दिस इज स्मॉल गैमिट विद वन फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर. सो हियर द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज टू काइंड्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमिट्स फॉर द फीमेल एंड मेल गैमिट्स रेस्पेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एज हेटरोगैमिटी. इन ह्यूमन्स ऑल्सो वी हैव द हेटरोगैमिटी. द फीमेल्स प्रोड्यूस द एग्स एंड द मेल्स प्रोड्यूस द स्पर्म्स. सो ह्यूमन आर ऑल्सो हेटरोगैमिटी. सो यू कैन नोट डाउन दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट देर इज आइसोगैमी एंड हेटरोगैमी बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. सो इन द आइसोगैमी फीमेल एंड मेल गैमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स इज अनदर टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अल्गा क्लेडोफोरा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम. सो यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम of the figure 1.5 in your notebook as a home assignment, and you should note down these points of the isogamy and heterogamy very well. If you have any doubt, ask me again, because this is very very important from board point of view. In heterogamy, what happens that the male and female gametes are morphologically distinct type. They are not morphologically similar, okay, dono alag alag tarah se dikhenge. And heterogamity is very common. Isogamy is not very common, but heterogamy is very common. And in majority of the sexually reproducing organisms, you will observe heterogamy or heterogamity. Okay. So when there is heterogamity, the male gamete will have a different morphology, female gamete will have different morphology. So male gamete is called as antherozoid or sperm, and the female gamete is called as egg or ovum in such kind of the scenarios. Okay, in case of human, we have egg or ovum from the females, from the women, and the males or the men produce the sperm, that is the male gamete. Okay, so this isogamity and heterogamity is again seen, it's again two categories based on the nature of the gametes which are produced in the pre-fertilization stage. In case of the plants, now if you see these gametes which are from males and females, obviously we have seen last year itself we have seen in the morphology that there will be flower, there will be stamen, there will be pistil, right? So we already have seen that there can be self-fertilization, there can be cross-fertilization. These things now we will be studying in more detail in the next chapter in the sexual reproduction in flowering plants. But here now you already all are knowing that plants can do self-fertilization. यानी कि same plant से anther आएगा और same plant के stamen पे stigma पे जाके वो fertilize करेगा, तो उसको बोलते हैं self-fertilization. So that means the female and male gametes are coming from the same plant. Such fertilization is called self-fertilization. And there can be cross fertilization, that means the pollen will come from a different plant and it will go and stick to the stigma of the different plant and it will lead to the fertilization. So these both events can be seen in the plants. So first we will see about a little bit about the plants and then we will see about the animals. So in the plants, what happens that these female flowers and male flowers, they might be present on the same plant or they might be present on the different plant.
मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल्स. ओके, सो एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल इफ दैट ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द रिप्रोडक्टिव बोथ द सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल प्लांट्स एनिमल्स हम किसको बोलते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑल द प्लांट्स आर द एनिमल्स विच पजेस द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल्स. ओके, तो फीमेल और मेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे होंगे जैसे कि मेज में. ठीक है, मेज का प्लांट आप सब लोगों ने देखा है. मेज में फीमेल फ्लावर्स जो है वो जो नीचे आपका कॉब होता है उसमें फीमेल फ्लावर होता है, और जो ऊपर सबसे टॉप पे जो क्राउन होता है दैट इज मेल फ्लावर. कॉब जो है वो फीमेल फ्लावर है. ओके, तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होगा, द फीमेल सेक्सुअल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी हम उस एनिमल्स को बोलेंगे जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे कि हम ऑलरेडी लास्ट ईयर देख चुके हैं अर्थवर्म में जो इस तरह के होता था. एक ही अर्थवर्म में ओवरी भी होती है और उसी में सेमिनल वेसाइकल्स और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. राइट, तो यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ये आप समझ लीजिए कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मोनोएशियस भी कहा जाता है. मोनोएशियस इसलिए कहा जाता है कि बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म पजेसेस द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बाई मीन्स बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मीन्स बाइसेक्सुअल. एंड मोनोएशियस का मतलब हुआ कि अ सिंगल प्लांट अ सिंगल एनिमल पजेसेस बोथ द स्ट्रक्चर्स. ये मीनिंग हुआ मोनोएशियस का. बाइसेक्सुअल का मतलब बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन सेम प्लांट और ऑन सेम एनिमल. मोनोएशियस मीन्स सिंगल प्लांट विद बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो इस तरह से बाइसेक्सुअल और मोनोएशियस इज नथिंग बट सेम थिंग. बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोएशियस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोथैलिक. ओके, होमोथैलिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेम प्लांट या सेम एनिमल में यू हैव बोथ द गैमीट्स अवेलेबल, दैट इज वाई इट इज होमोथैलिक. एंड देर आर अनदर कैटेगरी विच इज यूनिसेक्सुअल प्लांट. यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट्स से जो है में डिफरेंट जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स विल बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. एग्जाम्पल इज पपाया. यू ऑल नो दैट देर इज अ मेल पपाया एंड देर इज अ फीमेल पपाया. फीमेल पपाया विल ओनली बियर द पपाया फ्रूट, मेल पपाया विल नॉट बियर एनी पपाया फ्रूट. I think you all know this, right? So these are kind of the plants are unisexual. That means one plant is possessing only one kind of the reproductive structure, either male reproductive structure or the female reproductive structure. So in unisexual, it bears either one reproductive structure of the female or of the male. Unisexual organisms are also called as dioecious. Dioecious again means that there will be two plants who will possess the male and female reproductive structures. In monoecious, a single plant possesses both the reproductive structures. In dioecious, two plants will be needed for both the reproductive structures. So one plant will have sex, another plant will have another sex. So unisexual is dioecious and this is also called as heterothelic.
तो दिस टू लाइन्स यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स अगेन दे कैन हैव टू काइंड्स ऑफ द प्लांट्स नाउ, लाइक वी हैव सीन इन पपाया, कि अगर मेल फ्लावर उसके पास है या फिर उसके पास फीमेल फ्लावर होगा. सो वेन एवर द यूनिसेक्सुअल प्लांट विच बियर्स फीमेल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट विच बियर्स मेल फ्लावर, दिस काइंड ऑफ द प्लांट और दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेमिनेट. ओके, एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियरिंग द फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बियरिंग द फीमेल फ्लावर, दे विल बी कॉल्ड एज पिस्टिलेट. तो पपाया में दो प्लांट होंगे, एक स्टेमिनेट होगा यानी मेल प्लांट होगा, दूसरा पिस्टिलेट होगा यानी फीमेल प्लांट होगा. राइट, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज हेटरोथैलिक, यानी दो तरह के आपके पास प्लांट्स अवेलेबल हैं. सो हेटरोथैलिक मीन्स डायोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल. नाउ इफ यू वॉन्ट टू हैव एग्जाम्पल, मोनोएशियस प्लांट्स का एग्जाम्पल है क्यूकरबिट्स. क्यूकरबिट्स क्या होते हैं? ये खीरा ककड़ी वगैरह टाइप के जो भी प्लांट्स हैं ये सब क्यूकरबिट्स में आते हैं, पम्पकिन वगैरह. ओके, सो क्यूकरबिट्स एंड कोकोनट्स, दीज आर मोनोएशियस. दैट मीन्स अ सेम प्लांट, अ सिंगल प्लांट विल हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स और बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द फ्लावर इन द मोनोशियस प्लांट्स. हाउएवर इन द डायोशियस प्लांट्स लाइक पपाया, वन प्लांट विल हैव फीमेल फ्लावर्स, अनदर प्लांट विल हैव मेल फ्लावर्स. सो दैट मीन्स देर विल बी दीज प्लांट्स विल बी यूनिसेक्सुअल. सो डायोशियस प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया पपाया एंड डेट पाम. नाउ लेट अस सी फॉर द एनिमल्स. In the animals, the bisexual situation means again they possess both the male and female reproductive structures and they are also called as hermaphrodite. As we had seen that earthworm is a hermaphrodite organism, it possesses both female as well as male reproductive organs inside its body, right? So there are so many examples for the bisexual animals like earthworms, sponges, tapeworms, leech. So these are different examples, you should remember these. Many times it is asked in the NEET as well as in the board. Earthworm is a hermaphrodite, it is a bisexual. That means a single earthworm will contain both male and female. Similarly, sponge will also contain both tapeworm and leeches also, Hirudinaria, right? It's a zoological name of the leech, Hirudinaria. Let me write it for you, just a moment. Excuse me. So leech is called as Hirudinaria. This has been asked in the NEET. Hirudinaria. Hirudinaria is the name of the leech and this is a hermaphrodite. So, in case of those animals which when one organism possesses only one set of the reproductive structures, either male reproductive structures or the female reproductive structures, they are called as the unisexual animals. Most of the animals are actually unisexual animals, while in case of the plants, majority of the plants are the, rather majority of the higher plants are the bisexuals. Okay, so in the unisexual animals ka example hai cockroaches, dog, horse, human. So they all are unisexual. Now let us discuss some more points. So when we are studying the gametogenesis, सो नाउ वी हैव सीन गैमिटोजेनेसिस में हमने ये देखा कि किस तरह से गैमिट्स के साइज़ या गैमिट्स के अपीयरेंस के बेसिस पे दो तरह का टाइप होता है, आइसोगैमिट और हेटरोगैमिटी. और उसके बाद हमने ये देखा कि ये गैमिट्स जो हैं फीमेल और मेल गैमिट्स सेम प्लांट से या सेम एनिमल से आ सकते हैं, सेम एनिमल या प्लांट में दोनों गैमिट्स दोनों सेक्सेस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट गैमिट्स का स्ट्रक्चर होगा. तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया. अब हम ये देखते हैं कि जो भी गैमिट बनता है वो ऑलवेज हाइप्लॉइड होता है, ठीक. तो गैमिट जिस सेल से बनता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं. सो पेरेंट सेल गिव्स राइज टू द गैमिट विच इज़ ऑलवेज हाइप्लॉइड. बट पेरेंट सेल जो कि गैमिट बनाता है, दिस मे बी डाइप्लॉइड और दिस मे बी हाइप्लॉइड. अब आप इमेजिन करोगे कि डाइप्लॉइड तो हो सकता है क्योंकि डाइप्लॉइड होगा उससे मायोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमिट बनेगा,
लेकिन हैप्लॉइड अगर होगा तो कैसे गैमेट बनेगा, राइट? तो ये अभी थोड़ी देर में हमारे समझ में आएगा। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है उसका जो मेन बॉडी होता है, मेन स्पोरोफाइट होता है, वो क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, ओके? तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट है, ठीक है, अगर हैप्लॉइड पेरेंट है और उससे गैमीट बनना है, तो वहाँ पे मायोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि मायोसिस इज़ ए रिडक्शनल डिवीज़न। वहाँ पे अगर एन है तो हाफ एन का पॉसिबिलिटी तो बनता नहीं है, सो गैमीट्स विल ऑलवेज बी एन। सो अगर हैप्लॉइड है तो दिस इज़ ऑल्सो एन, सो एन से एन बनना है, दैट मीन्स मायोसिस कैन नॉट टेक प्लेस। सो हेयर इन दिस केस देर हैज़ टू बी माइटोसिस। सो अगर हैप्लॉइड पेरेंट, वेन एवर देर इज हैप्लॉइड पेरेंट, गैमिटोजेनेसिस विल इन्वॉल्व द माइटोसिस और माइटोटिक डिवीज़न, ओके? बट वेन द पेरेंट सेल विल बी डाइप्लॉइड, दैट मीन्स वेन इज डाइप्लॉइड पेरेंट इज देयर, द गैमीट फॉर्म्ड विल बी हैप्लॉइड, एंड डाइप्लॉइड पेरेंट इज देयर, दैट मीन्स देर हैज़ टू बी रिडक्शन डिवीज़न, सो दिस विल ऑलवेज इन्वॉल्व द मायोसिस। सो दिस काइंड ऑफ टू सिनेरियोज अराइज डिपेंडिंग ऑन whether the parent cell or the parent organism is a haploid or diploid organism. Haploid organism hai to mitosis hoga, diploid organism hai to meiosis hoga. Very simple, right? Now agar hum plants ki baat kare to let us see ki kuch plants hain jinme haploid body hoti hai, kuch plants hain jinme diploid body hoti hai. Aap ye already jante hain, just hum revision ke liye yahan ek baar dekh rahe the. Haploid plant body kisme hoti hai? It is more very common in the lower organisms, we have seen already last year. So ऑल दी मोनेरा किंगडम मेम्बर्स दे आर हैप्लॉइड, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये सब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। फंजाई दे आर मोस्टली हैप्लॉइड, अल्गी दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड, जो अगर डाइप्लॉइड होता भी है तो वेरी शॉर्ट फेज ऐसा होता है जो डाइप्लॉइड होता है, लेकिन इनका जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इसलिए ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को किस थोड़ा भी डाउट है तो लास्ट ईयर जो हमने उस चैप्टर जो देखा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो आप वो वाला पेज फिर से रिवीजन एक बार कर लीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, और यू कैन ऑल्सो गेट बैक टू मी इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस। सो मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड द लोअर प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, मॉसेस वाले प्लांट जो हैं, सो दे आर ऑल हैविंग द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, दैट मीन्स अगर इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो माइटोसिस से गैमीट फॉर्मेशन होगा। नाउ वी सी डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो जो हायर प्लांट प्लांट्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, उनमें डाइप्लॉइड अरेंजमेंट होता है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, लेकिन टेरिडोफाइट में हमने देखा था कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इसमें जो मेन जो प्लांट बॉडी है उसको हम स्पोरोफाइट बोल सकते हैं, हालांकि इसमें दोनों का इक्वल का जो स्टेज है लगभग दोनों डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द स्टेज इज फॉर द हैप्लॉन्टिक, हाफ ऑफ द स्टेज इज फॉर द डिप्लॉन्टिक, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन इसमें जो डाइप्लॉइड स्टेज होगा उसमें जब भी गैमेट फॉर्मेशन होना है तो वहाँ पे डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी, और उस केस में वहाँ पे मायोसिस होगा टेरिडोफाइट्स में, ओके? तो यहाँ पे दोनों तरह का सिचुएशन होगा टेरिडोफाइट्स में। देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज बोथ हैव द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ एज द डाइप्लॉइड प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दे आर कंसिडर्ड अंडर द डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर द डिप्लॉइड प्लांट, रादर दे हैव द डिप्लॉइड पेरेंट सेल। स्पॉन्जेस में हमने देखा कि स्पॉन्जेस में जो है दोनों तरह का होता है, उसमें हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, राइट? सो नाउ लेट अस सी दीज सेल्स, दीज पेरेंट सेल्स विच आर फॉर्म्ड, दे गिव राइज टू दी गैमीट्स। सो दीज पेरेंट सेल्स दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड पेरेंट सेल्स, ओके? एंड दीज पेरेंट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मियोसाइट्स और मायोसाइट्स।
तो मायोसाइट जो है ये टेक्निकल टर्म है, मायोसाइट का मतलब हुआ था, साइट का मतलब सेल होता है, ठीक है, मायो का मतलब मियोसिस, यानी दो सेल्स विच कैन अंडरगो दी मायोसिस, सो दी गैमीट मदर सेल्स आर कॉल्ड एज मायोसाइट्स, सो द एक्चुअली द गैमीट मदर सेल्स विच अंडरगो मायोसिस टू प्रोड्यूस द गैमीट्स दे आर कॉल्ड एज द मायोसाइट्स, सो मायोसाइट्स आर नथिंग बट गैमीट मदर सेल्स, ओके। तो मायोसाइट्स जो हैं वो प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मायोसाइट्स होंगे, मायोसाइट्स डाइप्लॉइड भी हो सकते हैं और हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, राइट? नो, मायोसाइट्स विल ऑलवेज गो मायोसिस, तो मायोसिस बनेगा अगर, तो मायोसिस किस फेज में होता है आप देखिए, गैमीट्स ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं और मायोसिस होगा, तो दैट मींस डाइप्लॉइड पेरेंट होगा, तो जब डाइप्लॉइड पेरेंट होता है तब मायोसिस होता है, दैट मींस जो डाइप्लॉइड पेरेंट होगा तब हम इस वाले सेल को बोलेंगे मायोसाइट, अगर हैप्लॉइड पेरेंट है इसको हम मायोसाइट नहीं बोलते हैं यहाँ पे हम, पर दोनों को हम पेरेंट सेल बोलते हैं या मदर सेल बोलते हैं, ठीक है, या गैमीट मदर सेल बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए मायोसाइट का मतलब हुआ एनी सेल विच इज़ रेडी और विच विल इवेंचुअली विल बी अंडरगोइंग द मायोसिस सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज मायोसाइट्स, बट ऑल गैमीट्स मे नॉट अराइज फ्रॉम द मायोसाइट्स, देर विल बी सर्टेन डिफरेंसेस, लाइक अगर हैप्लॉइड पेरेंट है जैसे कि हमने फंजाई में देखा या ब्रायोफाइट्स में देखा, वहाँ पे मायोसाइट्स से गैमीट्स नहीं बनेंगे बल्कि वहाँ पे दूसरे टाइप के सेल से गैमीट्स बनते हैं। सो नाउ यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दी मायोसाइट्स। सो अब तक हमने एक काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया कि जो भी फीचर्स हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के वो हमने देखा। आप यहाँ फिगर जो 1.6 है ये एक बार देख लीजिए कि जैसे अर्थवर्म में देखिए किस तरह से इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आप देख लीजिए टेस्टिस और ओवरी दोनों सेम और सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अगर आप ये सेकंड एग्जांपल देखिए तो बाईसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म है, सेकंड में यूनिसेक्सुअल कॉकरोच है, सी में है मोनोएशियस प्लांट चारा, इसमें देखिए आप चारा में एंथ्रेडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड ओगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट, राइट। उसके बाद डायोसियस प्लांट है, डी में आप देख लीजिए यहाँ पे ये आप मार्केंशिया का हम ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जांपल लास्ट ईयर, तो मार्केंशिया का फीमेल थैलस अलग होता है मेल थैलस अलग हो सकता है, यानी कि ये जो है मार्केंशिया जो है डी में आप देखिए डायोशियस प्लांट है, ठीक है, डायोशियस का मतलब हमने ऑलरेडी बताया, डायोशियस किसको बोलते हैं जहाँ पे पपाया का एग्जांपल जैसे दिया था, राइट, कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा, तो यहाँ भी देखिए एक जो फीमेल है उस पर आर्किगोनियोफोर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स स्ट्रक्चर हो गया, और जो मेल है उसमें एंथ्रेडियोफोर है जो कि स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेक्स स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। और इसी तरह से अगर आप ये लास्ट वाला देखें तो ये स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एक ही फ्लावर है उसके अंदर ये फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर हो गया, कार्पेल जिसको बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, और दूसरा स्टैमेन हो गया जिसके अंदर एंथर बनेगा, ओके। कॉकरोच में आपने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे देखिए आप ओवरी है सेपरेट ऑर्गेनिज्म में और टेस्टिस जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म में होगा, तो दिस इज़ नॉट ए बाइसेक्सुअल, अदर दिस इज़ ए यूनिसेक्सुअल और मोनोएशियस यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, ठीक है, तो कॉकरोच इज डायोशियस, अर्थफॉर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, सो हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोएशियस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब डिटेल्स देख लिया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं इस ये टेबल भी एक बार देख लीजिए, और टेबल 1.1 आप लोग याद कर लीजिए, इसमें जो हमने क्रोमोसोम नंबर देखा कि किस तरह से हाफ हो जाते हैं गैमीट्स में और जो नॉर्मल प्लांट बॉडी है नॉर्मल जो एनिमल बॉडी है उसमें डबल रहते हैं, तो अब मायोसाइट में आप देख लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2n है और जो गैमीट है उसमें n है, तो ह्यूमन में देखिए मायोसाइट में 246 क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारा नॉर्मल बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हमारे जो गैमीट्स हैं यानी स्पर्म्स और एग्स वहाँ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाउस फ्लाई में 12 हैं तो उसके गैमीट में इसके हाफ यानी 6 क्रोमोसोम हो जाएंगे, राइट।
राइट में आपके दिया हुआ है कि यहाँ पे गैमीट्स में 21 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 21 का डबल हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप इसको फिलअप कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। ओफियोग्लासम एक फर्न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ओफियोग्लासम एक फर्न है और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। 630 क्रोमोसोम्स हैं इसमें गैमीट में, और इसमें कितना हो जाएगा नॉर्मल प्लांट में कितना हो जाएगा 1260 या 1262 जो है भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है। तो 1260 क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द सिंगल सेल एंड इन द गैमीट्स देयर विल बी 630 क्रोमोसोम्स। सिमिलरली आप एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, ऑनियन, ये सब में जो क्रोमोसोम नंबर हैं आप इसको एक बार याद कर लीजिए। लेकिन आप ह्यूमन और ओफियोग्लोसम ये दो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों का क्रोमोसोम नंबर याद कर लीजिए और आप लोग इसका फिलअप करके टेबल 1.1 को अपने नोटबुक में और इसको मुझे सेंड कीजिए इसको कि कितना कितना क्रोमोसोम नंबर जो गैप्स हैं वहाँ पे आप फिलअप करते हैं। सो आई थिंक दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट दिस टेक्निकल थिंग्स अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पेशली द फर्स्ट स्टेज विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन क्वाइट बिट डिटेल एंड इन सिंपल टर्म्स। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द गैमीट ट्रांसफर एंड द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ओके, वी विल नाउ स्टॉप हियर। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।